दिवाली लोधी राजकीय महिला महाविद्यालय बरेली शहर का बहुत ही जाना पहचाना और छात्राओं में लोकप्रिय महाविद्यालय है। हर वर्ष हमारे महाविद्यालय में छात्राओं में प्रवेश को लेकर बहुत उत्सुकता रहती है और इस वर्ष भी चूंकि COVID-19 महामारी की जो परिस्थितियां हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए छात्राओं की सुविधा की दृष्टि से हमारे महाविद्यालय ने पूरी व्यवस्था की है कि हमारी छात्राओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। महाविद्यालय ने छात्राओं की जो विश्वविद्यालय के पंजीकरण फॉर्म है उनको ऑनलाइन जमा करवाने की व्यवस्था की है। इसके लिए हमारे महाविद्यालय की वेबसाइट www.ggpgcvrl.org पर एडमिशन ओपन करके एक कॉर्नर हमने बनाया है, उसमें BA, BSc और BCom प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म्स के लिंक दिए गए हैं। छात्राएं जिस भी कक्षा में प्रवेश लेना चाहती हैं उससे संबंधित लिंक को क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म उनके सामने खुलकर आ जाएगा और उस फॉर्म को फिलअप करके जो डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट करने हैं वो साथ साथ उसमें अपलोड करते जाने हैं। छात्राएं वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाएं और फॉर्म को सबमिट कर दें। छात्राएं ये ध्यान रखें कि जो भी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वो उसमें प्रोवाइड कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्म की जो एक कॉपी है वो उनके ईमेल आईडी पर जाएगी, उस कॉपी का प्रिंट निकाल के वो अपने पास रख सकती हैं। महाविद्यालय में किसी भी प्रिंट को जमा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जैसे ही वो गूगल फॉर्म सबमिट करेंगी रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाएगी और उन गूगल फॉर्म से सबमिट जो भी रिस्पॉन्सेज हैं उनके आधार पर हम मेरिट बनाएंगे। मेरिट की जो सूचना है, छात्रा जो भी छात्रा मेरिट में आएगी या जिसका प्रवेश लिया जाना है मेरिट के आधार पर, उसकी सूचना छात्राओं द्वारा प्रोवाइड किए गए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स पर दी जाएगी। लेकिन फिर भी कई बार नेटवर्क की समस्या रहती है और छात्राओं के पास हमने देखा कि फ़ोन पर मैसेजेस नहीं पहुंच पाते हैं या उनके ईमेल आईडी कई बार बाउंस कर जाते हैं उनके मेल्स, तो ऐसी स्थिति में हम छात्राओं को ये सलाह देंगे कि वो निरंतर वेबसाइट को देखते रहें, क्योंकि जो भी प्रवेश से संबंधित सूचना है वो हम वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे और जो भी शहर के न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी हम उनको प्रेषित करेंगे। तो छात्राएं समाचार पत्रों और वेबसाइट के संपर्क में लगातार बनी रहें, क्योंकि इस बार शासन का ये निर्देश है कि छात्राओं को कम से कम महाविद्यालय में बुलाया जाए, इसलिए छात्राओं को हमने ऑनलाइन इस प्रवेश की पंजीकरण की व्यवस्था को किया है। जब छात्रा का मेरिट में नाम आ जाएगा उसे महाविद्यालय की वेबसाइट पर ही एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा और फीस जमा करनी होगी। इसके लिए हम अलग से निर्देश वेबसाइट पर भी देंगे और न्यूज़पेपर्स में भी निकालेंगे। तो सभी छात्राओं को मैं उनके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ और छात्राओं से मैं ये कहूँगी कि समय से वो अपने एडमिशन फॉर्म्स जो है वो भर लें, क्योंकि विश्वविद्यालय ने इस समय एडमिशन की तिथि को बढ़ाया भी है। फिलहाल 28 अगस्त तक वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकती हैं और 31 अगस्त तक महाविद्यालय की वेबसाइट पर वो अपना फॉर्म सबमिट कर सकती हैं।